काफी ज्यादा है, लेकिन ये तुम्हारा ने शुरू से ही थोड़ा सा चेस्ट का साइज ज्यादा था, मतलब मैं जिम भी करता था इसलिए मैं कुछ समझ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का तो काफी इतना ज्यादा नहीं है तुम्हारा, ये चेस्ट काफी बल्कि दिखते हैं। तो जिम करते थे तो कुछ इसमें साइज कम होता था या शेप आती थी इसमें? थोड़ा तो कम यहाँ पे आता था, मसल बनते थे, लेकिन ये नहीं जाता था ये पोर्शन। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ऐसा, ये भी अगर आप टच करें तो ऐसा पेन आता है। अच्छा, हाँ थोड़ा हार्ड हो जाता है, ये ग्लैंड है जो थोड़ा फर्म फील होती है ना। हाँ, तो आपको काफी ग्लैंड है, उसकी वजह से ये दिखता है। और ये पूरा का पूरा काफी बड़ा बल्ज है, ठीक है, साइड में भी थोड़ा फैट है और ये आगे से काफी ज्यादा दिखता है। क्या है कि आपका बाकी वेट कम और बाकी बॉडी शेप में आता है, लेकिन ये पोर्शन काफी ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पंचर रोल करेंगे, यहाँ पे पंचर रोल करेंगे निप्पल के नीचे, और पहले जो है वेजर लाइपोसक्शन से हम फैट को रिड्यूस कर देंगे। तो ये चारों तरफ जितना भी फैट है वो कम हो जाएगा और उसके बाद एक प्रॉपर शेप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसी कट को थोड़ा बड़ा करके हम जो है ग्लैंड रिमूव करेंगे। सो जो गायनेकोमेस्टी होते हैं या जिसको मैन बूज बोलते हैं, तो उसमें दो चीज़ें बढ़ जाती है, एक तो फैट बढ़ जाता है और ग्लैंड बढ़ जाते हैं। सो फैट के लिए हम लाइपोसक्शन करेंगे और ग्लैंड रिमूव के लिए हम कट करके ग्लैंड रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो ये प्रोसीजर रहेगा जो हम अभी करने जा रहे हैं, और एक बार ये करने के बाद ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा, ये बल्ज जैसा है, ये पफीनेस है, ये चला जाएगा और एक नॉर्मल मेल जैसी शेप आ जाएगी। फिर आप जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो एक और बेटर एंड बेटर शेप आती चलेगी। अभी क्या है, प्रॉब्लम है कि बाकी आपकी बॉडी शेप में आ जाती है, लेकिन ये पोर्शन जो है नहीं आ पाता है, ठीक है। इसलिए आपको जो मोटिवेशन है वो भी नहीं मिल पाता, तो बाकी आप वर्कआउट करेंगे तो उसके बाद वो मेंटेन होता चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये कैसे पता चला कि इसको गायनेकोमास्टी बोलते हैं? मतलब मैंने सर्च भी किया था सर, बहुत किसी को दिखाया था आपने? हाँ, मैंने दिखाया, हाँ, आगे पहले दिखाया मैंने। तो उन्होंने क्या बोला? वो बोले कि मतलब ये ऐसे इससे रिमूव, मतलब जाता नहीं है जिम वगैरह, इसको मतलब ऑपरेशन ही करना, लेकिन मैंने तब थोड़ा इग्नोर किया था, थोड़ा फाइनेंशियल। अच्छा, फिर अब डिसाइड किया हमने, जो वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब पे डिजायर क्लिनिक के, तब समझ में आया आपको इसको सर्जरी के साथ, ठीक है। सर ये पूछना था, ये मतलब मुझे ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि नहीं, मार्क ज्यादा नहीं दिखाता था, इसमें छुप जाता, वो इधर ही कट आता है ना, वो छुप जाता है, ठीक है।